नमस्ते दोस्तों, लंबित लोढ़हास के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज की ट्यूटोरियल के दौरान हम सीखेंगे कि प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करते हैं तो हम इस प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है? तो अगर हम इंग्लिश मीनिंग की बात करें, प्रूडेंस का मतलब आपको कॉशन रखना है, कुछ ध्यान रखना है, कॉशियस रहना है किसी चीज के लिए। तो अकाउंटिंग के अंदर प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको या अकाउंटेंट को या ऑडिटर को इस चीज के लिए कॉशियस रहना चाहिए कि एसेट्स एंड इनकम्स आर नॉट ओवरस्टेटेड। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं या उसको ऑडिट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज आर एसेट्स एंड इनकम्स आर नॉट ओवरस्टेटेड। जो उसकी एसेट्स जो बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम दिखा रहे हैं, उस इनकम को ओवर स्टेट नहीं कर किया गया है, जो एक्चुअल पोजीशन है वही दिखाया गया है। साथ ही साथ जो लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, जो भी लाइबिलिटीज हैं और जो भी एक्सपेंसेस हैं, उसको भी अंडर स्टेट नहीं किया है। दोनों डिफरेंट क्यों है? एसेट्स और इनकम में हम बोल रहे हैं ओवर स्टेट नहीं किया है, और लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस में हम बोल रहे हैं कि अंडर स्टेट नहीं किया है। इसका लॉजिक ये है कि अगर कोई भी कंपनी अपनी एसेट्स को या अपनी इनकम को ओवर स्टेट करेगी तो इसका मतलब वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से ज्यादा बड़ा चढ़ा के अपने शेयर होल्डर्स को दिखा रही है। और सिमिलरली अगर कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को कम करके दिखा रही है या अपने एक्सपेंसेस को कम करके दिखा रही है, तब भी वो अपने शेयर होल्डर्स को जो एक्चुअल पोजिशन है कंपनी उससे ज्यादा अच्छा या ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा रही है। तो इस चीज को रोकने के लिए और साथ में इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि बाद में कंपनी को किसी तरह की फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉब्लम्स ना हो, तो ये प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस प्रूडेंस प्रिंसिपल को समझना चाहें, तो सबसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल है स्टॉक वैल्यूएशन का। जैसा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, पे करना है। मतलब अगर आपने कोई परचेज करी और उस माल को अपने एज ए स्टॉक रखा और 31 मार्च तक आप उसको सेल नहीं कर पाए, तो उस केस में उस स्टॉक का वैल्यूएशन आपको उसकी कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब अगर आपने जिस परचेज प्राइस पे उसको खरीदा था, अगर मार्केट में उसकी प्राइस आज की डेट में उससे कम हो गई, तो आप उस क्लोजिंग स्टॉक को आपको कम वैल्यू पर वैल्यू करना है। क्योंकि कल को अब हो सकता है उसको उस रेट पे ना बेच पाए जिसमें आपने खरीदा था। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको जो सिंस क्लोजिंग स्टॉक जो है आपकी एसेट है, ठीक है, तो आपको उस एसेट को ओवर स्टेट नहीं करना है। मतलब आप उसको कॉस्ट पे आप रखेंगे तो ओवर स्टेट हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल जो है मार्केट में आज उसके रेट के हिसाब से 31 मार्च या और कोई पर्टिकुलर डेट पे उस स्टॉक का वैल्यूएशन, उस स्टॉक का वैल्यू उतना है ही नहीं जितना आप उसमें दिखा रहे हैं। तो आप एसेट एक तरह से ज्यादा दिखा रहे हैं, ओवर स्टेट कर रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपको उस एसेट को कॉस्ट या एनआरवी, व्हिचएवर इज लोअर, पे करना है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज, और फाइनली जब वो स्टॉक सेल होगा तब आप उसको सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे, आप उसमें आपका प्रॉफिट एलिमेंट भी रहेगा, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस प्रिंसिपल आपको एसेट्स और इनकम को ओवरस्टेट नहीं करना है। इसी वजह से हम उसको कॉस्ट और एनआरवी पे वैल्यू करते हैं, ठीक है, व्हिच एवर इज लोअर पे। हम कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को उसकी सेलिंग प्राइस पे कभी भी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब इसका एक्चुअल सेल होगा तब हम इसको आइडेंटिफाई या डिटरमाइन या फिजिकली इसको प्रॉफिट को हम रियलाइज कर पाएंगे। अभी हम उस प्रॉफिट को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो अनरियलाइज टाइप का प्रॉफिट है। तो जो इनकम है जो अभी तक रियलाइज नहीं हुई है, उसको आपको अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको आगे फोर्सी हो रहे हैं, नियर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि एक्सपेंसेस आपको हो सकता है। इनकम अगर नियर फ्यूचर में हो रही है तो आपको अकॉर्डिंगली प्रूडेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप उस पर अकाउंट फॉर मत करो। लेकिन कोई एक्सपेंसेस है जो कि आगे आपको लग रहा है कि ये एक्सपेंसेस हो जाएगा, जैसे कोई डाउटफुल डेट्स हो जाएगा कंपनी का, ठीक है, उस केस में कंपनी उसका प्रोविजन इसी साल, जब भी वो उसका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये ऑलमोस्ट जो ये एक्सपेंसेस इनकम होने वाला है, तो कंपनी उसका
बुक्स अकाउंट में प्रोविजन करती है, तो मतलब उस एक्सपेंसेस को कंपनी बुक्स अकाउंट में अकाउंट फॉर कर देती है। तो इस तरह से ये प्रूडेंस प्रिंसिपल बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कंपनी ये मान के चलती है कि अपनी एसेट्स और इनकम को आप प्रॉपरली दिखाएं, ओवरस्टेट ना करें, और साथ ही साथ एक्सपेंसेस अगर कोई फ्यूचर में एक्सपेंसेस कंपनी इनकर करने वाली है, कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटीज आने वाली है, तो वो अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको उसको पहले ही जब वो रीजनेबल सर्टेनिटी वर्चुअल सर्टेनिटी करके कुछ टर्म्स हैं जो हम आगे देखेंगे, तो अगर वो हो जाता है तो आप उसको अकाउंट को कर सकते हैं। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल के दौरान आपने सीखा होगा कि प्रूडेंस प्रिंसिपल अकॉर्डिंगली टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या होता है। तो अगले ट्यूटोरियल में मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर होगा और उस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है। जैसा कि आपने कई जगह सुना होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन करना है कंपनी को बाय कीपिंग इन व्यू दैट कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है और क्यों गोइंग कंसर्न के हिसाब से हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, और फॉर एग्जाम्पल अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं रहा, एजम्पशन फेल हो गया, तो उस केस में कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बनाना है। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल से आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो आप ऊपर आ रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, या इवन आप कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज जो कि www.facebook.com/learnwithlodas है पर आइए और अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान पाइए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।